आज हम आनंद मनवाल जी के साथ चल रहे हैं पलेड की यात्रा पर। पलेड कला, यह है पलेड का राजकीय प्राथमिक विद्यालय। पलायन के कारण ये हैं बंद हुए मकान। सुविधा नहीं आया हम। प्रमोद सिंह नहीं, ग्राम प्लेट का नागरिक हूँ और मैं स्कूल के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमारा स्कूल जो काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है और आने वाले समय में जल्दी स्कूल खुलेंगे, इसलिए हमारी दिक्कत ये है कि स्कूल हमारा इतना खत्म हो चुका है कि उसका लेंटर और प्लास्टर पूरी तरह डैमेज हो चुका है, जो काफी पहले से उसका प्लास्टर गिर रहा है और लेंटर से पानी भी टपक रहा है, और इसलिए हम चाह रहे कि उसमें कोई समाधान निकले। हमारे बाटों की दिक्कत, बच्चों गाँव जाने की परेशानी है, और हमारे स्कूल में और बड़ी खराब बाटन है, कुछ नहीं, और एक अकेला कनाए भेजने। हम आनंद सिंह मनवाल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, सड़क नहीं है, पानी की समस्या है, विद्यालयों की कमी है, अस्पतालों की कमियाँ हैं, हमें कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिली। तो हम लोगों ने फिर वहाँ दूसरे गांव में जाना ही सही समझा, और अगर यहाँ आज भी हमारी सरकार ध्यान दे या हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान दे तो हम आज भी यहाँ पर अपना घर दोबारे से सही करके रहन सहन कर। आज हम इस समय लड़वा कोट ग्राम पंचायत के पलेड कला गांव का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमने ये पाया कि इस ग्राम पंचायत के इस गांव के लिए ये अपर तलाई तक जो है पक्की रोड है, और यहां से इस पलेड गांव तक का जो ये रास्ता है बहुत सीधा सरल रास्ता है। इसमें खास बात यह है, कहीं मोड़ नहीं है, कहीं जो है चढ़ाई नहीं है। जब तक पक्का मार्ग बन पाता है, उससे पहले अगर किसी निधि से, जिला पंचायत से, विधायक निधि से, सांसद निधि से, अन्य किसी माध्यम से अगर कम धन की भी व्यवस्था हो जाए और ये कच्चा जीप मार्ग बड़ी सरलता से बहुत कम समय में बहुत कम लागत में बन करके तैयार हो सकता है और पलायन पर रोक लग सकती है। यहाँ के निवासियों को अपनी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत लड़वा कोट्स के प्लेट गांव से मैं जगदीश ग्रामीण। जन समस्याओं को उठाने के बाद उसके समाधान का प्रयास करना हमारा उद्देश्य है।